उस सामने जो बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत है आपको, तबीयत खराब है, ऐसे किए हुए थे। ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, जिनका मुंह खुलता है उनको देख लेते, समझ लीजिए। तो आप अफसर है, मुंह खुला हुआ है, मुंह मत खोल के रखिए, पूरे तौर पर सबका बात ध्यान से सुनिए। ठीक है, मेरा बात नहीं ध्यान से सुनिए, लेकिन जनता का बात ध्यान से सुनिएगा, समझ गए ना, इस बात का ख्याल रखिएगा। और जब यहां पर बैठे हुए हैं अब मुंह फूल रहा, इसका मतलब है कि तबीयत खराब है, सही बैठक हो रहा है, काहे किसी का तबीयत खराब रहेगा, क्यों तबीयत खराब रहे, सब बुलंद रहिए, समझ गए ना। कहते हैं ना, अरे हटिए ना आप सामने, जरा सामने हम देख रहे हैं, ठीक रहेगा ना जी, ठीक रहिए, बुलंद रहिए सब लोग। तो सब लोग काम कीजिए आप पूरी मजबूती के साथ, सब कुछ को करने के लिए जो बात हो रहा है। और आज तो बड़ी खुशी की बात है, देखिए बहुत तरह की चीजें हो गई हैं, कई तरह का उद्घाटन हो गया है, अब आप समझ लीजिए। लेकिन भोजपुर वाले में जो तय किया कि उसका हम लोग भोजपुर जिले का वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में ही एक कैंपस को हम लोगों ने तय किया, उसके लिए जगह नहीं मिल रहा था कि आरा में कौन मिलेगा, कहीं और की बात हम बार बार कह रहे थे कि जब हम लोग भोजपुर में बना रहे हैं तो कम से कम ये अस्पताल और ये मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल तो ये होना ही चाहिए आरा। तो उसमें फिर वही देखा कि यही अच्छी जगह है, और जो वहां पर जो बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को जगह थी उसको दूसरी जगह हम लोगों ने और जगह दे दिया, ये कोइलवर के मानसिक रोग चिकित्सा संस्थान के जमीन में दे दिया गया, कुछ और अन्य जगहों पर भी दिया गया। तो हमको अभी हाल में पता चला, जब इनका रिपोर्ट 2 का आया तब हमको पता चला कि आखिर वहां वाला क्यों नहीं हो रहा है भोजपुर वाला। तो पता चला कि भाई वहां के जो जो है वहां से दिक्कत किए हुए था। तो अब उसके बाद हमने कहा कि भाई ऐसा क्यों दिक्कत किया हुआ है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, क्या है ऐसा किए हुए है, तो गलत बात है। तो अभी हाल ही में हम गए हुए थे, राज्यपाल महोदय दूसरे चीज पर बात हो रही थी, तो हमको जैसे ही मालूम हुआ हमने कहा कि जरा उन लोगों से बात करिए, उनको भी हमने कहा कि ये क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा तो बड़ा गलत है। तो हमने कहा कि देखिए बात करिए, तो अगले ही दिन उन्होंने भी सबको बुला लिया और कहा कि भाई यहां पर ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं, यहां पर तो जमीन तय हो गया तो उसी पर होना चाहिए। तो उसके बाद हो गया। अब आप समझिए कि हम तो आग्रह करेंगे कि आरा वाला भी अब तुरंत काम शुरू करा दिए, बहुत दिन लग गया है, बहुत देर हो गया, इसलिए उसका भी अब उसके लिए जो हमको जैसे ही पता चला कि 2 का तो मिल गया, 3रा का जमीन क्यों नहीं अभी तक हुआ, तब वो भी हो गया, तब उसके लिए सब बात हो गया है। तो जो हमने राज्यपाल महोदय को भी कहा था, तो जैसा हमने आपको बताया कि तुरंत वो बात की, अगले ही दिन सबको बुलाया कि बकाये, तो कोई पहले का वीसी किए हुए था, अब बाद में जो नया वाले को नहीं पता था, तो ये सब करके तुरंत सब कुछ हो गया, तब वहां पर होगा। तो समझ लीजिए कि ये तीनों का होगा। अब इसके अलावे तो अन्य जगहों पर भी हम लोगों ने तय किया है, लेकिन कम से कम ये तीनों जगह का जो कर दिया गया है ये सबका शुरू हो जाएगा, और बहुत खुशी की बात है आज के अवसर पर ये सब चीज जो कर दिया आपने। तो इसके लिए बिल्कुल तौर पर हर जगह से सब तरह से काम हो जाए, और जो डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत की गई है इसका बहुत लाभ होने वाला, अभी प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, कितना बढ़िया से लाभ होगा भाई, किसी के ट्रीटमेंट में